देश में लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुके हैं, 4 जून को परिणाम भी आने हैं, लेकिन इससे पहले कल बीजेपी नेता चुनाव आयोग पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने पहुंचे। इस दौरान उनकी ओर से चुनाव आयोग के सामने 4 मांगें रखी गई हैं, जिसके बाद आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। वहीं इस मुलाकात के बारे में खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बीजेपी ने आयोग से मांग की है कि प्रत्येक अधिकारी को काउंटिंग से जुड़ी जानकारी हो और चुनाव आयोग के सभी नियमों और प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इसके साथ ही पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी दूसरी मांग मतगणना और परिणाम की घोषणा के दौरान चुनावी प्रक्रिया के संरक्षण में हो। इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के व्यवस्थित प्रयासों का संज्ञान लिया जाए, ये भी चुनाव आयोग के सामने मांग रखी गई है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की थी, जिसमें पोस्टल बैलेट को चुनाव परिणाम में अहम बताते हुए मांग की गई थी पोस्टल बैलेट के चुनाव परिणाम अलग से घोषित किए जाएं। वहीं जिसके बाद आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। सियासी गलियारों में हलचल है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग 4 जून को होने वाली काउंटिंग की जानकारी शेयर कर सकता है। वहीं आपको बता दें कि पिछली बार चुनाव आयोग ने 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि 1952 से लेकर अब तक के किसी भी लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने वोटिंग के बाद और रिजल्ट से पहले कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग की इस बैठक में आज क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।